तो स्वागत कीजिए राघोगढ़ के सियासत के राजा, कांग्रेस के मुकद्दर के सिकंदर, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह उर्फ दिग्गी राजा, टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो में देश के 5 बड़े संपादकों और जनता के सवालों का जवाब देने के लिए आ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सीता जी को मत छोड़ो, जय सियाराम बोलो। तो आपने बात जय सियाराम से की है तो मुझे लगता है कि सवाल भी उसी से शुरू होने चाहिए। करिए। 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, आप और आपकी पार्टी के बड़े नेता क्यों नहीं जा रहे? बात यह है कि आपने, मैं समझता हूं, ये प्रश्न किसी और राजनीतिक दल से बात नहीं की है। शायद आपने हमारे शंकराचार्य जी से कोई बात इस बारे में नहीं की कि वो क्यों नहीं जा रहे हैं। हमारे लिए भगवान राम एक आस्था के रूप है, ईश्वर के अवतार है, इसलिए हमें उनके मंदिर में जाने में कोई ऐतराज थोड़ी होगा। मेरे खुद के निवास में राम जी का मंदिर है, मैं उस प्रांत से आता हूं जहां ओरछा में राम जी विराजते हैं, तो इसलिए भगवान राम कोई एक विशेष वर्ग के नहीं हो गए हैं, वो सबके हैं, हम सबके हैं। जहां तक राम मंदिर का जो 22 जनवरी का आयोजन है उसको एक राजनीतिक स्वरूप दे दिया गया है, अब उसमें कई प्रश्न उपस्थित हुए हैं। जोशीमठ के शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि पूरी ये जो प्रक्रिया है प्राण प्रतिष्ठा की एक वैदिक परंपरा है, धर्मशास्त्र के अनुसार उसकी वैदिक परंपरा है, मंदिर निर्माण पूरा होने के बाद ही प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। अब दूसरा प्रश्न होता है कि ऐसी जल्दी क्या थी, पूरा करने देते। भगवान राम का जन्मदिन रामनवमी अप्रैल के आसपास आता है, तभी आप कर लेते। ये आनन फानन करने की आवश्यकता क्या थी? उसका केवल एक ही उत्तर है कि ये पूरा जो आयोजन है धार्मिक कम है, राजनीतिक ज्यादा है, और उसी लिए उन्होंने लोकसभा चुनाव के पहले उसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाने का उन्होंने प्रयास रहा है। इसलिए जहां वैदिक परंपरा और शास्त्र की बात आ जाती है उसमें हम लोग, मैं खुद स्वर्गीय स्वरूपानंद जी महाराज शंकराचार्य जी का शिष्य रहा हूं, आज से 40 साल पहले मैंने उनसे दीक्षा ली हुई है, और ये मेरे गुरु भाई हैं जो स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी हैं। जब उन्होंने बड़े एक मौलिक प्रश्न उपस्थित कर दिए और उसके उत्तर में चंपत राय जी ने उसे बता दिया कि भाई ये तो रामानंदी संप्रदाय का है, तो भाई रामानंदी संप्रदाय का तो आप क्या कर रहे हैं, आप रामानंदी संप्रदाय के हैं क्या? दूसरा प्रश्न यह है कि वहां पर कई सदियों से निर्मोही अखाड़ा पूजा का काम देखता था, उन्हीं के माध्यम से सब होता था, उनको अलग कर दिया गया और उनके स्थान पर विश्व हिंदू परिषद ने कुछ अपने पुजारी वहां बिठा दिए। ये सब बातें इतनी विवादित हो गई जिसकी वजह से हम लोगों को उसमें, क्योंकि इसको एक आयोजन पूरी तरह से भाजपाईकरण जो हो गया था उससे आपत्ति थी। पुरी के शंकराचार्य जी ने साफ कह दिया कि भाई वहां ताली बजाने से मैं जाऊंगा। दूसरी बात यह है कि हमारे इंडिया अलायंस के जितने भी घटक दल हैं सबने मना कर दिया। ये आपने मिलकर तय किया कि हम इस पर नहीं जाएंगे? नहीं, देखिए सबने अपना अपना निर्णय लिया, कोई इसकी लिए कोई बैठक नहीं हुई है, लेकिन शिवसेना जो कि बाबरी मस्जिद के गिराने में सबसे आगे रही,
उद्धव ठाकरे जी ने मना कर दिया। इसलिए बेहतर यही समझा गया कि ये चूंकि राजनीतिकरण हो गया है, इसमें हमको नहीं पढ़ना चाहिए, और पूरे सम्मान के साथ उन्होंने पत्र लिख दिया। अब ये बात थोड़ी ना कि हम इसको मंदिर में जाएंगे नहीं, मैं अयोध्या में जब भी गया हूँ, कनक का मंदिर है, कनक राम जी का, उसमें मेरा सवाल आपसे यही है, कनक भवन का मंदिर है, हमारे ओरछा महाराज का बनाया हुआ है जी जी। अब कनक भवन के मंदिर में मैं दर्शन करने जा चुका हूँ, मैं तब भी गया हूँ जबकि रामलला की छोटी सी मूर्ति जो थी बाबरी मस्जिद गिरने के पहले जा चुका हूँ। तो हम लोग जाते हैं सरयू जी में, स्नान भी करते रहे, कोई बड़ी बात नहीं है। जो हमारे राजा साहब हैं उनकी हवेली में भी गया था, उनसे मिल के आया था मैं, तो इसलिए हमको मंदिर में जाने में कोई एतराज थोड़ी ना है। निर्माण पूरा हो जाने दीजिए, दर्शन करके आएंगे। पर आप और उसमें हमने चंदा भी दिया है, और उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने 1,00,000 रुपये दिए थे, मैंने 1,11,000 रुपये चंदे में दिया है। लेकिन हमें आपत्ति इस बात की है कि चंदा देने के बाद उस चंदे के रुपए का दुरुपयोग हुआ, जमीन खरीद में घोटाला हुआ। दिग्विजय जी मैं आऊंगा आपके पास में, चंपत राय जी मैं एक एक करके आऊंगा, घोटाला कर दिया, मैं इस पर भी आऊंगा, आज तक क्यों नहीं उत्तर दिया विश्व परिषद की। बात यह है, जितना बता दूं आपको, मैं आपको इसके इतिहास में थोड़ा लेना चाहता हूँ। नरसिम्हा राव जी बाबरी मस्जिद गिरने के बाद वहां आसपास की जो अविवादग्रस्त भूमि थी उसका अधिग्रहण सरकार ने किया, और अधिग्रहण करने के बाद रामालय ट्रस्ट, रामालय न्यास का गठन हुआ। नरसिम्हा राव जी चाहते थे कि इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने चारों शंकराचार्य जी और रामानंद संप्रदाय के रामनरेशाचार्य जी के को उसमें रामालय न्यास में उनका सदस्य बनाया गया। मुझे भी उसमें इन्वॉल्व किया गया था क्योंकि मेरा स्वामी स्वरूपानंद जी से अच्छे संबंध थे, मुझसे मुख्यमंत्री था मध्य प्रदेश में, तो नरसिम्हा राव जी ने कहा था। और रामनरेशाचार्य जी, हम क्योंकि मैं स्वयं हम लोग वैष्णव संप्रदाय के हैं, रामानंद संप्रदाय के माने जाते हैं, क्योंकि मेरे निवास का राघोगढ़ नाम है राघव जी के नाम से, तो इसलिए मेरे उनके संबंध थे। तो उनको कहा था भाई आप भी इसमें शामिल होइए, उनको सबको शामिल किया गया, और रामालय न्यास आज भी जीवित है, मतलब आज भी वो एट प्लेस है, रजिस्टर्ड बॉडी है, और उसी के थोड़ा निर्माण कराना चाहिए था। हमने मांग भी की थी प्रधानमंत्री जी से कि अलग से न्यास बनाने के बजाय आप रामालय न्यास से चालू भवन बनवाइए, मंदिर बनवाइए, क्योंकि वो पहले से सारे धर्माचार्यों का का जो न्यास है उससे बनवाना उचित होगा। अलग से आपने ऐसे लोगों को उसमें रख दिया, कोई भाजपा का नेता है तो कोई विश्व हिंदू परिषद का नेता है। तो बीजेपी और वीएचपी, आप कह रहे हैं ये दोनों मिलकर राम मंदिर पर सियासत कर रही है, वही वीएचपी जिसने चंदा इकट्ठा करके इस मंदिर को बनाया, तो आप मंदिर में नहीं जाएंगे? उसमें घोटाला भी किया। देखिए बात सुन लीजिए, चंदा तो इकट्ठा करके वीएचपी नहीं बनाया ना, नहीं कार सेवकपुरम में सारी तैयारी हुई। आपको आपको गलतफहमी इस बात की है कि चंदा केवल उन्होंने इकट्ठा किया, हमने वीएचपी को चंदा थोड़ी दिया है, हमने तो नेशनल ट्रस्ट को चंदा दिया है, हमने न्यास को चंदा दिया, कोई वीएचपी को चंदा नहीं दिया है। और वीएचपी का लोकल स्टैंडर्ड क्या है, ये तो नेशनल ट्रस्ट है, कोई वीएचपी का ट्रस्ट है ये? पर दिग्विजय जी काम तो वीएचपी आगे बढ़ के कर रही है। बिल्कुल नहीं, वीएचपी कहां थी आंदोलन में, ये राम मंदिर न्यास मतलब विवाद ये 19वीं सदी से चला हुआ है। विश्व हिंदू परिषद आया कब, जबकि भारतीय जनता पार्टी 1984-85 के चुनाव में दो रह गए थे, तब से वीएचपी ने आंदोलन शुरू किया, नहीं तो उसके पहले वीएसपी थी कहां पर? 92 का आंदोलन किसका था जी? मैंने कहा ना आपको, 85 में चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने विश्व हिंदू परिषद को, क्योंकि एक ही है संगठन के, आरएसएस के सारे संगठन है ये, एक राजनीतिक एक धर्म के नाम पर लोगों को का समर्थन लेते हैं। तो बात ये विश्व हिंदू परिषद का कोई इसके अंदर राम मंदिर के अंदर कोई योगदान नहीं। वो कोर्ट में केस कौन लड़ा, वीएचपी लड़ी कोर्ट में केस, हमारे मेरे गुरु धर्म गुरु स्वामी स्वरूपानंद जी कोर्ट में केस लड़े, मुक्तेश्वरानंद जी ने बयान दिया था कोर्ट में, उन्होंने पैरवी की थी, उनके पैरवी के आधार पर फैसले हुए। तो वीएचपी विश्व हिंदू परिषद तो केवल चंदा उगाकर
उसमें चंदे में भ्रष्टाचार करने के अलावा उन्होंने किया क्या है? तो आप ये कह रहे हैं कि आंदोलन कांग्रेस का था? मैं किसी का नहीं आंदोलन, आंदोलन जो था राम जी के भक्तों का था। ये मेरा निजी मत है कि हम लोग भगवान राम के दर्शन और मंदिर जाने में हमें कोई एतराज नहीं है, हम तो जाना चाहते हैं, लेकिन आप निर्माण तो पूरा कर लीजिए, जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं, इसमें राजनीति क्यों कर रहे हैं, हमें आपत्ति इस बात की है। क्या कारण है कि इतनी पुरानी, सबसे पुरानी बड़ी पार्टी एक निश्चित मत और विचार और आख्यान न बना पाई है, न देश के सामने प्रस्तुत कर पाई है इस पूरे विषय पर? मुझे इस बात का आश्चर्य है कि आपने कांग्रेस के इतिहास को अपने नहीं समझा है। कांग्रेस ने कभी धर्म के खिलाफ हम लोग नहीं गए हैं, और महात्मा गांधी की तो रामधुन के अंदर, उनके हर सभा में रामधुन से शुरू करते थे। हमारे पार्टी में पूरी तरीके से क्लैरिटी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हर व्यक्ति को अपने धर्म के पालन करने का अधिकार है, और उसको किसी प्रकार का उसका हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, और यही संविधान में भी इसका प्रावधान किया गया है कि हर व्यक्ति को, हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, उसका कोई रोक टोक उसके अंदर नहीं है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे खुद के घर में करीब 7 मंदिर हैं, उसमें से 4 में अखंड जोत जलती है, एकादशी का रात जगा होता है, हनुमान जी का मंदिर भी है। तो हमारे यहाँ अपने धर्म का पालन करने की कोई रोक टोक थोड़ी, हम कोई कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है जो कि हम धर्म के विरोधी हों। हम लोग तो, एक बात मैं बता दूँ आपको, कांग्रेस पार्टी इज अ पार्टी ऑफ मूवमेंट, और इस डाइवर्सिटी के इस देश में यहाँ अनेक धर्म हैं, अनेक जातियाँ हैं, अनेक भाषाएँ हैं, अन्य जेनेटिक लोग हैं, तो इसमें ऐसे देश में सबको मिलाकर जब तक नहीं चलेंगे तब तक देश में शांति नहीं होगी। इसमें और इसी के साथ साथ पूरे तरीके से हमारा ये लक्ष्य रहा है कि हमारे भारतीय संविधान में इसीलिए इसको फेडरल स्ट्रक्चर दिया है ताकि हर वर्ग और हर लोगों को उसमें रहने का और अधिकार के साथ वो अपना जीवन जिए। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में सबने भाग लिया, एक तरफ शहीद भगत सिंह ने फांसी का फंदा चूमा तो अशफाक उल्लाह ने भी चूमा, तो इसलिए ये किस देश जो है सबका है। वीरे जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि सोमनाथ मंदिर का जो रिपेयर का काम था आज़ादी के बाद, वो कांग्रेस के नेताओं ने कराया था। बिल्कुल, उस पर पंडित जी सरदार पटेल के मतभेद चिट्ठियां भी लिखी गई थी, वो कैबिनेट में भी मामले बात आई थी। आपने एक चीज अभी बोली कि कांग्रेस पार्टी धर्म के खिलाफ नहीं है, तो मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप कांग्रेस पार्टी के बिहाफ पे कहते हैं धर्म के खिलाफ नहीं है, तो ये परसेप्शन क्यों है और ये कैसे बना कि आप एंटी हिंदू? और कार्तिकेयन ने सोमनाथ का जिक्र कर दिया, तो आज बीजेपी ने कहा है, एक मिनट मैं एक लाइन बस जोड़ देता हूँ, बीजेपी ने आज कहा है कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसमें गांधी जी की पार्टी नहीं है, नेहरू जी की पार्टी है, जो सोमनाथ नहीं गए थे। आप देख लीजिए, बात यह है, सोमनाथ का मंदिर कोई विश्व हिंदू परिषद ने नहीं बनाया था, सोमनाथ का मंदिर कोई शासन के पैसे से नहीं बना था, चंदे के पैसे से बना था। पंडित जी को आपत्ति किस बात की थी? आपत्ति इस बात की थी कि सरकार का पैसा 5 लाख रुपए सरकार के खजाने से उसके आयोजन में क्यों खर्च किया जाए, उनको आपत्ति इस बात की थी। एक दूसरी बात उनको इस बात की आपत्ति थी कि सोमनाथ ट्रस्ट के जो अध्यक्ष थे तत्कालीन जाम साहब, मेरे नाम था उनका भी, दिग्विजय सिंह जी, वो उस समय राज्यपाल भी थे, वहाँ के राज प्रमुख थे। तो पंडित जी की आपत्ति इस बात की थी, वो कोई धर्म के खिलाफ थोड़ी ना थे, पंडित जी खुद धार्मिक व्यक्ति थे। कोई आस्थावान हिंदू वहां का निमंत्रण कैसे ठुकरा सकता? बात ऐसा है, हमने निमंत्रण ठुकराया नहीं है, हमने ये कहा है कि आपका निमंत्रण भेजा, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन चूंकि आपने इसका राजनीतिकरण कर दिया है इसलिए हमें आपत्ति है। हम दर्शन करने जाएंगे, दर्शन में हमने कहां मना किया है, लेकिन ये कहना
कि इस आयोजन में आप शामिल हो जाइए, जिस आयोजन में आप रोड शो हो रहा है नरेंद्र मोदी जी का, विश्व हिंदू परिषद के लोग वहाँ बैठकर हमारे सैकड़ों वर्ष सदियों की जो व्यवस्था है उसको वो तोड़ रहे हैं। निर्मोही अखाड़ा को क्यों अलग कर दिया, रामानंदी संप्रदाय के लोगों को ये क्यों नहीं सौंप रहे, विश्व हिंदू परिषद का वहाँ क्या लेने देना, विश्व हिंदू परिषद का क्या उसमें आंदोलन में उनका योगदान था, शिवसेना का योगदान नहीं था क्या, दूसरे राम भक्तों का योगदान नहीं था क्या? तो स्टालिन का कहना है कि सनातन को जड़ से खत्म कर देना चाहिए। स्टालिन का बेटा है, स्टालिन नहीं है। उदयनिधि स्टालिन। वन सेकंड। पहली बात तो आप भी अपने फैक्ट से जरा साफ हो जाइए, ये स्टालिन का बेटा था। उदयनिधि स्टालिन सुन लीजिए, सनातन धर्म की परिभाषा शायद वो समझते नहीं है, बच्चे हैं। मेरा कहना ये, सनातन धर्म वो है जिसका की व्याख्या स्वामी विवेकानंद जी ने की है। सनातन धर्म वो है जो सब धर्मों का सम्मान करता हो, सनातन धर्म वो है जो विश्व को अपना कुटुंब मानता है, हर परिवार मानता है, जहाँ वैमनस्यता शब्द नहीं है, वहाँ प्रेम सद्भाव सत्य अहिंसा है। उन्होंने कहा है धर्म सत्य सच्चाई सत्यता ही धर्म है। सनातन धर्म वो है, ये जो स्टालिन साहब के जो सुपुत्र हैं उनको शायद इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन इसके अंदर बाद में जो दलितों के खिलाफ छुआछूत और मनुस्मृति से जो ये बात से आई है, जो वर्ग को अलग कर दिया गया, पैदाइश से उसको शूद्र बना दिया गया या ब्राह्मण बना दिया, क्षत्रिय बना, वैश्य बना दिया, ये हमारे सनातन धर्म के परंपरा के अनुसार नहीं रहा है, ये बाद में आया है, इसलिए उसको उससे लिंक करना ठीक नहीं है। उनको कहना चाहिए था मनुवादी नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन सनातन धर्म में तो इस प्रकार का छुआछूत का कोई आधार ही नहीं था। दिग्विजय जी, आपने अभी हाल फिलहाल में एक बयान चंपत राय को भी लेकर दिया है और आप इस मामले को एक घोटाले से जोड़कर भी देख रहे हैं, किन तथ्यों के साथ आप इस बात को कह रहे हैं? इस बात को कह रहे हैं, एक जमीन का सौदा होता है भारतीय जनता पार्टी के महापौर या भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ, वो किसी से जमीन खरीदता है और वही जमीन 24 घंटे के अंदर विश्व हिंदू परिषद और सॉरी न्यास के जो प्रतिनिधि के रूप में चंपत राय जी कई करोड़ों से ज़्यादा में जमीन खरीद लेते हैं। उसकी जांच भी मोहन भागवत जी ने खुद ने जांच के आदेश उसमें दिए, उस जांच का क्या हुआ? क्या हमारे दिए हुए चंदे में अगर घोटाला होगा तो हम क्या उसकी जांच के आदेश, जांच की जानकारी नहीं लेना चाहेंगे कि आखिर जांच का क्या हुआ? क्यों सैकड़ों करोड़ रुपए न्यास को ज्यादा देने पड़े, इसकी जानकारी हम क्यों नहीं दी गई अब तक? आप धार्मिक हैं, आप भगवान में विश्वास करते हैं, तो मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूं, अगर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का मामला है तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो प्राण प्रतिष्ठा कौन ऑर्गेनाइज करा रहा है? बात वही है, ये क्या आवश्यकता थी कि इस तरह से रोड शो प्रधानमंत्री करेंगे, वहां पर सब तरीके वहां पर जाएंगे और उस तरह से प्रचारित करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह के कमल को लेकर दुनिया भर की बात होगी? ये तो पॉलिटिकल कर दिया गया। भव्य राम मंदिर बनना ज्यादा भव्य, देखिए भव्य मंदिर बने, भव्य मंदिर बनने में हमें कहां इतराज है, बनाइए ना, लेकिन पूरा तो करिए, आप पूरा कर लीजिए, हम जाने के लिए तैयार है। पहली बात तो समझ लीजिए कि बड़ा ये कुटिल प्रयास चलता रहता है पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के बीच में विवादों का, ये बात समझ लीजिए कि सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टॉलवर्ट्स दोनों थे और एक दूसरे के पूरक थे, दोनों ने साथ आंदोलन किया, जेल गए, तो इसलिए सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कोई विवाद नहीं था ना कभी उन्होंने कभी महसूस किया। लेकिन ये लोग जो आज सरदार पटेल और नेहरू के बीच में विवाद कर रहे हैं, वो लोग आज़ादी के लड़ाई में कहाँ थे और कब थे? क्या आरएसएस के और उस लोग और हमारे हिंदू महासभा के लोग कभी आज़ादी के आंदोलन में उन्होंने भाग लिया? वो क्या बात कर रहे हैं? दिग्विजय जी, अब थोड़ा सा गठबंधन और चुनाव पर आ जाते हैं,
इंडिया गठबंधन के बाद में आ रहा हूँ आपके पास में। इंडिया गठबंधन के बाद में पहले चुनाव हुए 5 राज्यों में और उसमें से 3 राज्यों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश, जिसके लिए आप भी कह रहे थे, कांग्रेस कह रही थी, बीजेपी के कई नेता दबी जुबान में कह रहे थे कि ये हमारे हाथ से निकल गया, उसके बावजूद वो आपके पास नहीं आ पाया, इसकी वजह क्या है? देखिए, बात यह है, मैं 2003 से ईवीएम के खिलाफ हूं, क्योंकि बटन दबाओ पता नहीं पड़ता कि वोट कहां गया। ये बात मैं शुरू से कहता रहा हूं कि मैं ईवीएम के पक्ष में नहीं रहा हूं। मैं नतीजों में बात छोड़ दीजिए, कौन जीता कौन हारा, मैं इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। मूल बात यह है, हर व्यक्ति का यह अधिकार है कि मैं जहां वोट देना चाहता हूं वहां वोट जाना चाहिए, और उसके लिए ये मेरा अधिकार है कि मेरा वोट सही रजिस्टर हो और उसकी गिनती होना चाहिए। ये मेरा मौलिक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक राइट है, और पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में भी मेरा ये राइट है। आज पूरे विश्व में केवल 5 देश ऐसे हैं जहां ईवीएम की मशीन से वोट लिए जा रहे हैं। हम लोग अपने देश को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, और मदर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर आज लोगों के मन में एक अविश्वास पैदा धीरे धीरे होता चला जा रहा है। मुझे तो 2003 से भरोसा इस पर नहीं था कि, और हमारा तो केवल इतना सा है कि ठीक है, आपको बैलेट पेपर से नहीं कराना चाहते हैं, ईवीएम से कराना चाहते हैं, तो ये आपको ईवीएम प्रेम है, हमें उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन वीवीपैट स्लिप का हमें दर्शन कराने के बजाय जो प्रिंट होता है वो हमारे हाथ में दे दीजिए, हम उसको देख लें और उसको मोड़ कर हम डब्बे में डाल दें, हमें भरोसा हो जाएगा। आज हमें भरोसे नहीं होता, हम बटन दबा रहे हैं, वोट कहाँ जा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस बारे में माननीय चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। अब इलेक्शन कमीशन का भी नज़रिया आप देख लीजिए, हम लोग उनसे समय मिलने का समय मांग रहे हैं, मिलने का समय नहीं देते हैं। और एक बात समझ लीजिए, विश्व में कोई मशीन ऐसी नहीं है जिसमें चिप लगा हो जो कि हैक ना हो सके। सब लोग इस बात को सोच, जिसमें सॉफ्टवेयर डला है वो आप की का आदेश नहीं मानेगा, वो सॉफ्टवेयर का आदेश मानेगा, और सॉफ्टवेयर का अगर आपको आदेश मानेगा तो हमारा ये हक बनता है, तो भाई मशीन में कौन सा आपने सॉफ्टवेयर डाला हुआ जो हमको बता दो। ऑस्ट्रेलिया में ईवीएम से चुनाव होता है लेकिन वहां का सोर्स कोड और सॉफ्टवेयर पब्लिक डोमेन में है, उसको बताने में आपको क्या इतराज है? पिछली बार तो खूब चले आप भारत जोड़ो यात्रा में, वर्कर्स टेंट में ही रहते थे, इस बार वैसे ही करेंगे? मैं उस समय भारत जोड़ो यात्रा के प्रबंधन का मैं अध्यक्ष था, मैं इस बार नहीं हूं। अच्छा, दूसरा सवाल, लोगों को ये लगता है कि भारत जोड़ो रास्ता भारत जोड़ो यात्रा थी, उसने वक्त लिया, जो कम्युनल हार्मनी का जो पोजीशन था कांग्रेस का, वो लोगों के बीच में बात की, लोगों का मानना है थोड़ा सा रश्ड है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, वो चीज़ें आर्टिकुलेट पहले नहीं हुई हैं। आप लोगों का कन्याकुमारी में प्रोग्राम हुआ, श्री पेरम्बदूर गए, आप लोगों ने रैली की, रुक रुक के आप लोगों ने हर स्टेट्स को क्रॉस किया, ये थोड़ी रश्ड लगती है। रश्ड नहीं है, बात यह है कि ईस्ट टू वेस्ट का जो फासला है, और हमारे उस समय आपको याद होगा भारत जोड़ो यात्रा में क्रिटिसिज्म होता था, दूसरे हमारे राज्य में आप नहीं आए, झारखंड वाले, छत्तीसगढ़ वाले, नॉर्थ ईस्ट के लोग, बंगाल के लोग, बिहार के, यूपी के लोगों ने कहा सा हमारे आप, गुजरात के लोगों ने कहा आप हमारे यहाँ क्यों नहीं आए। तो ईस्ट टू वेस्ट यात्रा जो है उन राज्यों को हमने शामिल किया है जिन राज्यों में हम लोग नहीं जा पाए थे, और उसमें ये भी था, अब एक व्यक्ति को सो आपने 4,000 किलोमीटर पैदल चलवा दिया, अब कहिए 6,500 किलोमीटर और पैदल चलिए, तो अब उसको हाइब्रिड यात्रा रखी है, बस में जाएंगे लेकिन शहरों के अंदर वो पैदल चलेंगे। राहुल जी, कुल मिलाकर जो लड़ाई बनने वाली है 2024 में, उसमें दो सेनाएं बिल्कुल आमने सामने हैं, एक सेना बीजेपी की जो है वो बहुत सुगठित, संसाधनों से भरपूर, अनुशासित दिखती है, और उसमें कोई भ्रम नहीं है, ना नेता को लेकर, ना चेहरे को लेकर, ना आख्यान को लेकर, ना नीतियों को लेकर। तो संगठन, संसाधन, नेतृत्व और आख्यान, ये चारों उसके पास, पूरे चारों जो हथियार हैं वो, उसमें कोई भ्रम नहीं है किसी को। आपके जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, इसमें
चारों में ही भ्रम है और प्रश्न चिन्ह है, ना तो नेतृत्व स्पष्ट है, संगठन अभी कहीं दिख नहीं रहा है, आपसी तालमेल अभी कितना होगा, होगा कि नहीं ये अभी स्पष्ट नहीं है। कोई एक आख्यान जो आप लोगों को देश के सामने रखेंगे कि हम ऐसा देश बनाना चाहते हैं जो इनके कहने इनकी नीति के अलग है, उससे बिल्कुल अलग है, तो इन चारों ही जो अस्त्र है चुनाव में, चुनाव रण में जीतने के लिए, उन चारों में एक बहुत गहरी अस्पष्टता है, ये कैसे पूरी होगी? राहुल जी, आपको याद होगा 2004 के पहले भी यही प्रश्न आप लोग करते थे कि इधर अटल बिहारी वाजपेयी है, इंडिया शाइनिंग है, और दूसरी तरफ कौन प्रधानमंत्री का कौन फेस है, उस समय भी ऐसी बात होती थी। लेकिन जनता ने हमें बहुमत दिया, अनेक पार्टियों का दल बना, सरकार मतलब गठबंधन बना, और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर सरकार चली, 10 साल तक चली, और उसमें हर क्षेत्र में प्रगति हुई, हर क्षेत्र में, इकोनॉमी में, एम्प्लॉयमेंट में, गरीबी मिटाने में, हर क्षेत्र में हुई। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का चयन सबने मिलकर किया और वे एक सफल प्रधानमंत्री के रूप में उभर कर सामने आए। तो ये पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ द पॉसिबिलिटीज, संभावनाओं के बीच में पॉलिटिक्स होती है। इन संभावनाओं के बीच में ठीक है, मोदी जी बड़े जबरदस्त नेता हैं, बड़े आर्टिकुलेट हैं, जुमलाबाजी तो करते हैं लेकिन उसको झूठ को भी सच में परिवर्तित कर देते हैं। लेकिन बात यह है कि आज देश किस हालात में है, 10 साल उनको होने आए, क्या कालाधन वापस आ गया, क्या कालाधन जिन्होंने विदेश भेज दिया वो लोग आज क्या जेल के सीखचों में है या विदेशों में है, क्या भारत पे कर्जा जो था वो चौगना नहीं हो गया है, क्या नोटबंदी में जो वादे किए थे वो पूरे हुए, क्या हमारे आसपास के देशों के साथ हमारे क्या संबंध हैं, चीन हमारे पर जमीन पे कब्जा कर रखा है, प्रधानमंत्री कहते हैं कि ना कोई आया है ना कोई धरती पे है, जबकि रक्षा मंत्री कहते हैं चीन हमारे जमीन पे आ गया। मेरी मुसीबत यह कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरता। नहीं, राहुल जी वाले पे होना चाहिए था मेरी उम्मीदें तो। अरे एक चीज बताइए, आप लोगों का असेसमेंट इतना वे ऑफ द मार्क क्यों था मध्य प्रदेश जी? आप लोगों का असेसमेंट इतना वे ऑफ मार्क क्यों था मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में देखिए, ये ईवीएम माता की कृपा हम पर नहीं है, पर वो ईवीएम तेलंगाना में भी तो था, तेलंगाना में आपकी सरकार बन गई, आपसे कहता हूं हिमाचल में आपकी सरकार बन गई, आप बीजेपी का स्टेक्स नहीं होता है वहां ईवीएम खेल नहीं, ऐसा कैसे हो? बार-बार जो ईवीएम करते हैं, मेरा तो सुन लीजिए, मैं शुरू से इस बात को कहता रहा हूं, मुझे ईवीएम पर भरोसा नहीं है, चाहे जीते हारे मुझे आपत्ति नहीं। इस देश में 2024 के चुनाव के मुद्दे हैं बेरोजगारी, महंगाई, जिस प्रकार से आर्थिक जो खाई बढ़ती चली जा रही है लोगों में, अमीर गरीब की, जिस तरह से कर्जा बढ़ता जा रहा है देश पर, जिस तरह से काले धन का की बढ़ोतरी होती चली जा रही है, बात इन मुद्दों पर होना चाहिए। जहां तक राम जी के मंदिर का है, राम जी का मंदिर जो है वो कोई चुनावी मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। देखिए, 3 दिसंबर को मध्यप्रदेश का परिणाम आता है, चुनाव में हारने के बाद भी कमलनाथ इस्तीफा नहीं देते, बाद में पार्टी उन्हें जीतू पटवारी को अध्यक्ष बना देती है। मेरा यह कहना है कि अब जीतू पटवारी युवा प्रदेश अध्यक्ष बन गए, तो अब यह क्या माना जाए कि मध्य प्रदेश की राजनीति में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का युग खत्म हो रहा है, अब युवा नेतृत्व मध्य प्रदेश को देखेगा? वो नहीं चाहिए, ये तो प्रकृति का नियम है। मैं 38 साल की उम्र में प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया था, 46 साल के अंदर मैं मुख्यमंत्री बन गया था, तो ये तो है ही, अच्छी बात है, नई पीढ़ी को आना चाहिए। और उस समय राजीव गांधी जी ने हम लोगों के जनरेशन में कई लोगों को जो सबसे सफल हुए, राजशेखर रेड्डी हमारे साथ थे, अहमद पटेल हमारे साथ थे, ऑस्कर फर्नांडिस हमारे साथ थे, अशोक गहलोत हमारे साथ थे, भूपेंद्र सिंह हुडा हमारे साथ थे, ये 30 साल तक हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी के अंदर आगे आने के हम लोग। दिग्विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद TV9 के इस कार्यक्रम में आने के लिए।